हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट जीएस को। तो आज के वीडियो लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग नेक्स्ट जीएस के अंदर जब भी लेआउट बनाते हैं तो उसके अंदर मेटा डेटा को कैसे सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना जो नेक्स्ट जीएस वाला फोल्डर है उसको ओपन करूँगा वीएस कोड में, और इसी के साथ इसको वीएस कोड में ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपना नोटपैड ओपन करूँगा। ठीक है, तो मैंने यार आपको मेटा डेटा के बारे में बताया था कि मेटा डेटा होता क्या है, मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन ही आपका क्या होता है, मेटा डेटा होता है। डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन आपका क्या होता है, मेटा डेटा होता है। तो चेंजिंग मेटा डेटा का मतलब क्या होता है भाई। मान लो आप अभी स्लैश, ये आपका यूआरएल है, आप स्लैश पे हो, तो ये आपका क्या है, ये आपका होम पेज है। तो एग्जाम्पल हम लोग टाइटल कर लेते हैं, ये आपका क्या, ये आपका होम पेज है। तो आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपका टाइटल होना चाहिए कि यार होम पेज, आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपका टाइटल होना चाहिए होम पेज। मान लो आप लोग स्लैश ऐसे करके अबाउट पेज पे हो, देन आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आप लोग कहाँ पे हो, आप लोग अबाउट पेज पे हो, तब आपका टाइटल क्या होना चाहिए, आपका टाइटल होना चाहिए अबाउट पेज, अबाउट पेज। जब आप URL स्लैश कॉन्टेक्ट पे हो तब आपका URL क्या होना चाहिए, तब आपका URL होना चाहिए कॉन्टेक्ट। बट अभी तक क्या होते आ रहा है भाई, अभी तक क्या होते आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, यहां पे आऊं और स्टार्ट करूं अपना सर्वर नेक्स्ट जेस का, जो डेवलपमेंट सर्वर हमें 3000 पोर्ट पे स्टार्ट होता है वो बेसिकल में स्टार्ट करूं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको लोड होने देते हैं। यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे देखना अपना टाइटल, ठीक है। तो टाइटल भी क्या है, कोड भी थ्रू 6203 अपना टाइटल। अगर मैं स्लैश कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ, कॉन्टेक्ट तो वैसे है नहीं, पाइथन है, ठीक है। तो अभी भी क्या है, अभी भी वो कोड भी थ्रू 6203 ही है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये चीजें चेंज होना चाहिए, बट क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप ऐप के डायरेक्ट अंदर वाला लेआउट और चीज देखोगे ना, तो आपको एक चीज करने को मिलेगा, एक्सपोर्ट कॉस्ट मेटा डेटा इज इक्वल टू टाइटल इज इक्वल टू ये डिस्क्रिप्शन ही हो। ये वही चीज है भाई जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये तो टाइटल आप भेज रहे हो ना, ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं इस टाइटल को कर दूं, ऑफ कोर्स ये हमारा होम पेज है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम पेज। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पेज देखने को मिलेगा। वैसे ही अगर मैंने जैसे ब्लॉग में लेआउट डॉट जेएस बनाया है, वहां पे भी अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, और ये बेसिकली हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे मैं क्या भेजूंगा, यहाँ पे मैं भेजूंगा टाइटल। टाइटल हमारा क्या होगा, मान लो ये मेरा पाइथन वाला ब्लॉग पेज है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ब्लॉग पेज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिस इज आवर ब्लॉग पेज, और यहाँ के डिस्क्रिप्शन पे हम लोग लिखेंगे दिस इज आवर होम पेज, होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं पीछे जाता हूँ, दिस इज आवर होम पेज, बट जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश कोई भी ब्लॉग पे जाऊंगा, मान लो जावास्क्रिप्ट पे जाता हूँ, देन यहाँ पे आपको ब्लॉग पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो प्रेयर चैनल को भी तुमने 6203 पे फास्ट नेक्स्ट जीएस का कोर्स, उसको आप लोग फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।